नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा टॉपिक आज क्या है? आज बहुत ही जनरल टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है। कोई भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज मैं ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से म्यूचुअल फ़ंड बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना है। बहुत लोग होते हैं जो म्यूचुअल फ़ंड जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे जा रहे होते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि म्यूचुअल फ़ंड किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। पहले हम ये अगर डिस्कस करेंगे किस तरीके से सिलेक्ट नहीं करना है, तो आपको चुनने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो मैं टॉपिक लिख देती हूँ कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे नहीं करना है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये तीन चार बातें ध्यान से देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत 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 आसान रहने वाला है, और आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपने बहुत ध्यान रखना है वो है पास्ट की रिटर्न। अब सब लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं वो रिटर्न तो देखते ही हैं। पास्ट रिटर्न तो देखनी है, क्योंकि उसी से तो हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। हाँ, ये तो है कि पास्ट रिटर्न जैसी मिलती है वैसी फ्यूचर में हो सकता है कि ना मिले, मगर क्यों नहीं देखनी चाहिए? देखनी चाहिए, मगर लॉन्ग टर्म की। अगर आपने एक साल की रिटर्न या तीन साल की रिटर्न देख के कोई फंड चुना, तो वो बिल्कुल गलत होने वाला है। आपने शॉर्ट टर्म रिटर्न स्टॉक, आपने शॉर्ट टर्म रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड की नहीं देखनी है। म्यूचुअल फंड्स इन जनरल जो होते हैं ना, वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बेयर मार्केट में हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म ना करें। तो वो हम जब एक एवरेज निकालेंगे ना कि एवरेज CAGR कितनी है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, उनकी रिटर्न 15-16% एवरेज ही बैठती है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म में देखा ना, एक साल का, तीन साल का, तो उससे क्या होगा? उससे होगा आप एक म्यूचुअल फंड चुन लेंगे और वो गलत बेट हो जाएगी, क्योंकि उसने एक तीन साल में हो सकता है बहुत अच्छी रिटर्न दी हो, 30-30% की रिटर्न दी हो, मगर लंबे समय में जब वो आपको रिटर्न कम देगा, आप अपनी चॉइस पे डाउट करेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि यहाँ से पैसा निकालना चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वांट का। किसका? क्वांट स्मॉल कैप ले लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि क्वांट स्मॉल कैप अच्छा नहीं है, बहुत लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, लेकिन अगर आप इसकी पास्ट रिटर्न देखेंगे ना, शॉर्ट टर्म की, एक तीन साल की, तो बहुत शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आपको कमा के दिए। मगर इसके बेसिस में चुन लूँ? नहीं, मुझे डिटेल्ड उस पर रिसर्च करनी चाहिए ना, मुझे देखना चाहिए उसका मैनेजर कौन है, म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, कौन उसको हैंडल कर रहा है, उसकी लॉन्ग टर्म रिटर्न कैसी है, क्या क्या कंपनीज इन्वॉल्व्ड हैं, कैसे चलता है ये म्यूचुअल फंड। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करूँ ना, उतनी कम है। तो इसीलिए आप पास्ट रिटर्न देखें, मगर सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को अपना क्राइटेरिया बना लें कि बस एक साल देखा या तीन साल की रिटर्न देखी, ओहो ये तो बहुत शानदार म्यूचुअल फंड है, और ले लिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लंबे समय की रिटर्न्स देखनी है, शॉर्ट टर्म पास्ट रिटर्न्स आपने बिल्कुल नहीं देखने हैं। और आप ये भी मान के चल लें कि जो एवरेज रिटर्न है ना, वो म्यूचुअल फंड्स की शॉर्ट टर्म में जो दिखाता है, लंबे समय में वैसी रिटर्न्स नहीं होती है। तो ये आपने ध्यान में अच्छे से रखना है। अच्छा, दूसरा कॉल या टिप। किसी की भी कॉल या टिप पे आपने आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। सुनी सुनाई बातों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है। अगर मैंने भी आपको कुछ बोल दिया कि ये म्यूचुअल फंड ले लो, बहुत अच्छा है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी आपने कॉल या टिप पे विश्वास नहीं करना है। तो फिर क्या करें? किसकी सुने? किसी की नहीं सुननी है आपको। अगर कोई फंड बताए, आप उसको फटाफट जाके खुद से रिसर्च करें। आजकल बहुत अच्छी अच्छी साइट्स आ गई हैं, जहाँ पे आपको डिटेल्ड फैक्ट्स
डिटेल, एक एक चीज़ म्यूचुअल फंड की बताई जाती है, तो कोई रीज़न नहीं बनता है आपका रिसर्च ना करने का और फिर किसी और को ब्लेम करने का कि इसने देखो मुझे ये बोल दिया, उसने देखो मुझे वो बोल दिया। आप बिल्कुल भी ये ना करें, जब भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें कभी भी किसी की कॉल टिप ना सुने, खुद से डिटेल रिसर्च करेंगे तभी कन्विक्शन आएगा और लंबे समय के लिए आप इस म्यूचुअल फंड में रह पाएंगे। सो खुद से पढ़ाई लिखाई करनी ही है। जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं तभी अच्छे नंबर आते हैं। अगर किसी से पूछ के करेंगे कितना ही हो जाएगा हमारा पेपर, इतना तो नहीं हो सकता। वैसे ही इन्वेस्टमेंट जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, आपने खुद से रिसर्च करनी है तभी जाके आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ पाएंगे। दूसरों के सुने, उनसे रेफरेंस लेके, अच्छा इसने मुझे ये म्यूचुअल फंड बताया तो मैं उसमें डिटेल एनालिसिस अपने खुद से भी करूँ एक बार, ज़रूर ये बात का ध्यान रखें। अच्छा, सो टिप आपने बिल्कुल नहीं माननी किसी की। तीसरी चीज़, आँख बंद करके आपने कभी भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना। ये फर्स्ट पॉइंट जैसा, ये सेकंड पॉइंट जैसा ही है, कॉल टिप नहीं सुननी है, आँख बंद करके अपना पैसा आपने नहीं लगाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सैलरी आती है, उसका मैं एक छोटा सा पोर्शन 10,000 रुपये मैं सोच रही हूँ कि म्यूचुअल फंड में लगाने का, किसने मुझे बोला मैंने सुन लिया, या मैंने कहीं से पढ़ा मैंने लगा दिया, आँख बंद करके नहीं लगाना है। किस बेसिस पे लगाना है, फिर मैं क्या क्राइटेरिया, अगर मैं किसी की सुनूँ ना मैं आँख बंद करके नहीं लगाऊँ तो मैं कैसे उस मार्केट में, कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करूँ, कैसे मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँ। तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो है गोल। कौन सा गोल, मेरा गोल। अगर मैं म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे अपने गोल्स पता होने चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। अब जैसे आप छोटे हैं, आपने अभी अभी पढ़ाई शुरू की, ख़त्म की है, और अभी आप जॉब पे, आप बिज़नेस शुरू किया है या कोई जॉब पे आपकी लगी है, आपने पैसा कमाना शुरू किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल होंगे, अरे मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे कुछ कपड़े ख़रीदने, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए क्या म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, अगर आपके शॉर्ट टर्म के गोल हैं तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो सही रहते हैं। क्योंकि अगर मुझे गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, उसके लिए मुझे कार लोन लगेगा। अब उस कार लोन को पूरा करने के, क्योंकि वो गोल ही मेरा शॉर्ट टर्म का है, तो उसको पूरा करने के लिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सही रहते हैं, क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी कम में रहती है, छोटे मोटे रिटर्न्स बन जाते हैं FD से बेहतर, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से बेहतर। और मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो होता है या उस जो लोन को पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो मुझे इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा कोई लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है, अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई का देखना है, हायर एजुकेशन, आप देखते हैं कितनी महंगाई है आजकल, कितनी एक्सपेंसिव है हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए पैसा चाहिए, आगे जाके जब बूढ़े होंगे रिटायर होंगे रिटायरमेंट का पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करानी है, बहुत सारे ये जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होता है इंसान का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, उसके लिए भी हो सकता है आपको लोन की ज़रूरत पड़े। तो क्या करें, इनके लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड सही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड के दो एडवांटेजेस हैं, कि एक एडवांटेज तो ये है इसमें आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, मगर एक डिसएडवांटेज भी यही है कि रिटर्न तो बहुत अच्छी मिलेगी और आपका ये जो लॉन्ग टर्म गोल है ये भी पूरा हो जाएगा, मगर लंबे समय में ही अच्छी रिटर्न्स बनती है, क्योंकि वॉलीटिलिटी रहती है मार्केट में। आप शेयर बाज़ार में पैसा डाल रहे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड मतलब स्टॉक्स में पैसा जा रहा है, मार्केट में पैसा लग रहा है, अगर ऐसा होगा तो मार्केट जैसे फ्लक्चुएट करेगी लंबे समय में, वैसे ही आपके जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं ये भी फ्लक्चुएट करेंगे, ये फ्लक्चुएट करेंगे तो रिटर्न शॉर्ट टर्म में अच्छी नहीं बनेगी। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपने इनको नहीं लेना है, जैसे कि गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, लेकिन लंबे समय के जो गोल्स हैं आपके, जो आपने फ्यूचर में 20 साल बाद 15 साल बाद जो आपने पूरे करने हैं, जैसे कि बच्चों की शादी करानी है, हायर एजुकेशन के लोन चाहिए, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बहुत सही रहते हैं, क्योंकि लंबे समय में इनसे बेहतर रिटर्न्स बना के आपको कोई नहीं देगा। तो आप ध्यान रखें कि गोल्स पे ध्यान दें कि मेरा गोल क्या है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें।
इसमें भी फिर बहुत कैटेगरी है कि लार्ज कैप लें, मिड कैप लें, स्मॉल कैप लें, हाइब्रिड फ्लेक्सी क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन आपने गोल सोचना है कि मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि गोल क्या है। गोल पता होगा, एंड रिजल्ट पता होगा, तो म्यूचुअल फंड अपने आप ध्यान में आ जाएगा। उस हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए, कोई ज़रूरत है लोन की, तो मैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आज पैसा लगाऊं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म गोल है मेरे बहुत सारे, तो मुझे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए जहाँ पे लंबे समय में बहुत पैसा बनता है। और आपने बिल्कुल भी किसी के बातों में नहीं आना है व्हेन यू चूज़ योर म्यूचुअल फंड। आंख बंद नहीं करनी है, ध्यान से रिसर्च करके ही आपने सिलेक्ट करना है म्यूचुअल फंड, और पास्ट रिटर्न्स देखनी है लेकिन लंबे समय की, शॉर्ट टर्म आपने बिल्कुल नहीं देखनी है। तो ये अगर आप छोटी 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 बातें ध्यान रखेंगे ना, दो तीन चार बातें अगर आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, तो आप एटलीस्ट गलती करने से बच जाएंगे। हो सकता है आपके हाथ कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ना लगे, मगर एक ख़राब क्वालिटी का म्यूचुअल फंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में सोच लिया है आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना है। तो गलती नहीं करेंगे, गलती ना करना इज़ बेटर देन चूजिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड। कि चलो म्यूचुअल फंड बेस्ट वाला आपके पास नहीं आया, लेकिन गलती नहीं की तो ख़राब वाला भी म्यूचुअल फंड या जिसकी रिटर्न्स कम है वो भी नहीं आया। इससे आपके गोल्स पूरे हो गए और क्या चाहिए, और साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन भी पीट हो जाएगी। इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे जैसे चल रही है आगे, अगर आपके कोई भी गोल नहीं, आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब भी ज़रूरी है अपने पैसे को बढ़ाना, क्योंकि हर इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा कमाने के साथ साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया कि ये चीज़ मैंने आपको ट्राई किया कि सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ कि अगर हम म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं तो कैसे, और नहीं क्या क्या गलतियाँ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।